Dear students, welcome in the lecture series on chemical bonding. Again, प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग की लेक्चर सीरीज में. और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पार्ट फोर, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले लेक्चर्स में आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जाना कि कैसे इक्विवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ओके, स्पेशली इस लेक्चर में हम सिंपल मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे. हाइब्रिडाइजेशन मीन्स संकरण. तो हम जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में जाने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देखना चाहेंगे, जिसके बारे में हमने पोस्टुलेट्स में भी बताया था आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर. कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है नेचर में. और ये जो है उस बात को हम फिर से कैसे कह सकते हैं कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इट इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है. ओके, और इस जब कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वो बॉन्ड्स क्या करते हैं, अपने को ओरियंट करते हैं स्पेस में, जिससे कि क्या होता है, दे फॉर्म द डेफिनेट ज्योमेट्री विद मैक्सिमम स्टेबिलिटी. इस तरीके से बॉन्ड्स ओरिएंट होते हैं, घूमते हैं, कि इस तरीके से वो अरेंज होते हैं स्पेस में कि जो मॉलिक्यूल है उसकी मिनिमम एनर्जी रहे, मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहे. तो अगर हम ओवरलैपिंग्स को देखें डिफरेंट टाइप की एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो आप देखेंगे एसएस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग. तो एसएस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे थी, इस तरीके से थी. तो ये जो एसएस ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होगी, यहां पर आप देखेंगे कि ये अलोंग द एक्सिस होगी, एक एक्सिस के अलोंग होगी. फिर आप एस और पी की अगर देखेंगे तो देखिए अलोंग द एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है, जो दोनों के न्यूक्लियस की जो एक्सिस होगी उस डायरेक्शन में. तो अगर हम पी ऑर्बिटल को मान लें, ये पी एक्स ऑर्बिटल है, तो ये किस डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहा है, पी एक्स डायरेक्शन में. और अगर हम कहें कि ये पी और पी की ओवरलैपिंग है, तो ये मान लीजिए कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब है कि ये पी एक्स ऑर्बिटल है एक एटम का, ये दूसरे ऑर्बिटल का पी एक्स ऑर्बिटल है, और दोनों मिलकर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की डायरेक्शन में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये कैसा है, जो बॉन्ड है वो कैसा है, डायरेक्शनल होता है नेचर में, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है. ओके, तो जब हमें कोवेलेंट बॉन्ड का आइडिया लग गया कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन. Now the question arises that what is the need of hybridization? हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ गई, जबकि हमें पता चल चुका है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है. हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैसी होती है, अपोजिट होती है. और जब भी किसी ऑर्बिटल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता. तो ये पोस्टुलेट थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के. अब हम देखें, सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल देख रहे हैं BeCl2. अगर मैं बेरिलियम को देखूं तो बेरिलियम का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2s2. तो जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, पहले हम ये देखना चाहेंगे जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम का वो है 2s2. तो आप देख सकते हैं कि इसके दो इलेक्ट्रॉन है इसमें और दोनों भरे हुए हैं. अगर मैं BCl3 में B का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वो है 2s2p1, यानी 2p1. तो उसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 2s2 2p1. ओके, ये है 2s और ये है 2p. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है. अगर मैं CH4 में कार्बन के पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वो है 2s2 2p1. ओके, तो हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये 2s2 है, सॉरी 2s2p2. इस तरीके से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे और आप ये देखेंगे कि इसके 2s में दो इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी दो इलेक्ट्रॉन है, और दो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, हाफ फील्ड.
तो अब आप ध्यान दीजिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा था कि जब किसी न्यूक्लियस के पास एक, तो उसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल में तो वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। तो अगर हम कार्बन को देखें तो उसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके। अगर हम बी को देखें तो उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बी सी एल टू को देखें तो उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि आप जानते हैं अगर हम इस तरीके से देखें तो इस बेरिलियम को क्या होना चाहिए, जीरो वैलेंट होना चाहिए, इसकी कोई वैलेंसी होनी नहीं चाहिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर हम बोरोन को देखें तो इट शुड बी मोनो वैलेंट, इसको मोनो वैलेंट होना चाहिए क्योंकि इसके पास केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड बना सकता है। और अगर हम कार्बन को देखें तो इट शुड बी बाइवेलेंट, इसको कैसा होना चाहिए, बाइवेलेंट, क्योंकि इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब है कि CH4 को अगर हम देखें तो इसको केवल दो ही बॉन्ड बनाने चाहिए कार्बन को, क्योंकि इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में। अगर हम BCl3 में देखें तो बोरोन के पास एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए बॉन्डिंग में, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम BeCl2 को देखें तो उस केस में आप देखेंगे कि बेरिलियम के पास एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको तो पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए बॉन्डिंग में, इसको जीरो वैलेंट होना चाहिए। जबकि आप देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है और ये BeCl2 बना रहा है, ठीक है, यानी ये जीरो वैलेंट नहीं है, ये बाइवैलेंट है बेरिलियम। अगर हम BCl3 को देखें तो बोरोन कैसा एटम है, ट्राइवेलेंट यहां पर आपको दिख रहा है, या क्योंकि ये तीन बॉन्ड बना रहा है, जबकि इसको मोनोवेलेंट होना चाहिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर हम CH4 को देखें तो कार्बन एक बाइवेलेंट है, जो कि कार्बीन में ये बाइवेलेंट होता है लेकिन वो अनस्टेबल स्पीसीज है। तो यहां पर इसके पास केवल दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट शुड बी बाइवेलेंट, लेकिन ये टेट्रावेलेंट होता है। आप देख रहे हैं इसकी वैलेंसी चार होती है, बोरोन की वैलेंसी तीन होती है और बेरिलियम की वैलेंसी दो होती है। तो इसका मतलब है कि यहां पर कुछ ऐसी गड़बड़ है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अलावा ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा बॉन्डिंग में, क्योंकि अगर ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो ये बाइवेलेंट हो जाएगा, अगर ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे तो ये ट्राइवेलेंट होगा, और अगर चारों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो ये टेट्रावेलेंट होगा, जो कि ये टेट्रावेलेंट होता है कार्बन, ठीक है। तो एक तो ये दिक्कत आ गई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करें। दूसरी जो दिक्कत आई थी, आप ये देखेंगे कि ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल बनते हैं यहां पर बॉन्ड एंगल भी अलग होता है। जैसे बेरिलियम क्लोराइड में ये बॉन्ड एंगल 180 होता है जो बीई और सीएल के बीच में होगा, और जो BCl3 में यही बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, और CH4 में बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 109 डिग्री का। तो आप देख सकते हैं इनमें बॉन्ड एंगल में डिफरेंस है, जबकि सब में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो तो या तो पी और पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर तो केवल पी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और पी ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 90 एंगल, जबकि इनके एंगल क्या है, अलग अलग है। तो इस वजह से जरूरत पड़ी, यानी कुछ ऐसा होता है इस मॉलिक्यूल के अंदर जिससे कि ये क्या करता है, इसका बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है सारे मॉलिक्यूल्स का, और इसकी जो वैलेंसी है वो भी कार्बन की चार आ जाती है, बोरोन की तीन आ जाती है, और बेरिलियम की दो आ जाती है। तो वो कौन सा कंसेप्ट हम बताएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कुछ ऐसा है जिसकी जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक्चुअली समझाने के लिए, क्योंकि केवल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर हम नहीं बता सकते, क्योंकि इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड एंगल भी अलग अलग था। तो इसलिए किसकी जरूरत पड़ी, नए कंसेप्ट की जरूरत पड़ी, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन और संकरण। Now we will see what is hybridization. अब हम देखेंगे बच्चों hybridization क्या है, hybridization की जरूरत क्यों है, ये आपने देखा था। अब हम देखेंगे what is hybridization, संकरण क्या है। तो hybridization क्या है, hybridization is a phenomena, okay, in which atomic orbitals of almost same energy in a covalently bonded molecule mix, redistribute their energy, orient themselves in the space to form
न्यूऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें सबसे पहले हमें क्या मानना होगा, एक हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का। तो एक सेंट्रल एटम हमें डिसाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं BCl3 की बात करूं तो यहां पर सेंट्रल एटम कौन है, बी। तो बी के ऑर्बिटल्स एस पी डी। तो जो बी के जो ऑर्बिटल होंगे, सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल होंगे जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी, ये क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ये मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद अपनी एनर्जी को बराबर कर देंगे और लगभग बराबर एनर्जी के इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाएंगे। ओके, इन नए ऑर्बिटल को क्या कहते हैं हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनको क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं, एटमिक ऑर्बिटल्स जो कि सेंट्रल एटम में प्रेजेंट होते हैं, वो मिक्स होते हैं, अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओरिएंट होते हैं और क्या बनाते हैं, नए ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है, इसे हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। ओके, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वो क्या करता है, वो दो काम करता है। एक तो वो लेस क्राउडिंग कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं BCl3 की ही बात करूं, ओके, अगर ये इसमें ClCl क्या ऐसे अरेंज हो पाएंगे, नहीं, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या करेगा कि इनको इतना नजदीक नहीं आने देगा, इनको नजदीक नहीं आने देगा, बल्कि इनको ऐसे ओरिएंट करेगा कि ये क्या चले जाएं, ये इतने दूर चले जाएं कि ये स्टेबल ज्योमेट्री बन जाए, इनके बीच में रिपल्शन कम हो जाए। तो ये क्या कर रहा है, जो क्राउडिंग हो रही थी इसको कम करेगा। तो ये जो बॉन्ड होंगे ये अपने को ओरिएंट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, एक्चुअली कौन करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिससे कि इनकी दूरी मैक्सिमम रहती है। ओके, दूसरा क्या काम होता है, बेटर ओवरलैपिंग मींस जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं इन कंपेरिजन टू दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब एस ऑर्बिटल से अच्छी ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल करेंगे, पी से भी अच्छी ओवरलैपिंग कौन करेगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्यों करेगा ये मैं आपको दिखा रही हूं। तो मैंने आपसे कहा कि जो सेंट्रल एटम होगा MCl3 है, जो सेंट्रल एटम है उसमें क्या ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल हो सकता है और डी ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एक का एस ऑर्बिटल एम का और इसके साथ किसकी मिक्सिंग हो गई, पी ऑर्बिटल की। तो जब इन दोनों की मिक्सिंग होगी, देखिए इसमें कैसा करेक्टर है, एस ऑर्बिटल में एस करेक्टर है और पी ऑर्बिटल में इसमें पी है, पी। तो आपने देखा था कि जो एस एस ओवरलैपिंग होती है, एस पी ओवरलैपिंग होती है और पी पी ओवरलैपिंग होती है। सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी है, पी पी। ओके, तो जब एस और पी मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इसका नाम भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और इसका नाम भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके, तो एक s और एक p जब मिलेंगे तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना देंगे। इसका नेचर आप देखिए, जब sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा तो आप देख रहे हैं कुछ p तरीके का हो गया है। तो पी करेक्टर का मतलब क्या हो गया, मतलब पी टाइप का शेप हो गया है। इसका मतलब ये ओवरलैपिंग क्या करेगा, अच्छी करेगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं, एस अच्छी ओवरलैपिंग नहीं करता था, लेकिन जब ये पी के साथ मिक्स हो जाएगा तो इस तरीके का ये क्रिएट करेगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जिसमें पी टाइप का शेप आपको दिखेगा, मतलब ओवरलैपिंग बेटर होगी। अब अगर मैं बात करूं कि एक एस मिलता है उसके साथ एक पी ओवरलैप करता है और उसके साथ दूसरा पी भी ओवरलैप करता है, तो एक एस है और दो पी ऑर्बिटल है। ओके, ये पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या होगा, किस तरीके से होगा, मान लीजिए पी एक्स है और ये पी जेड ऑर्बिटल है, तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो इस तरीके के ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी। देखिए ये बना दिया इसने, तो ये सेंट्रल एटम का जो ऑर्बिटल है, ये जो ये हर एक ऑर्बिटल कैसा है, sp2, एक s और दो p, तो कैसा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, 1, 2, 3, क्योंकि कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 1, 2, 3। तो जब 3 मिक्स होंगे तो 3 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, जब 2 मिक्स होंगे तो 2 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे।
इसी तरीके से जब तीन ऑर्बिटल मिक्स होंगे, चार ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल तो ये है ओके, दूसरा ऑर्बिटल ये है पी पी, तीनों पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर, एक ऑर्बिटल ये है, तो ये पी वाई मान लीजिए, ये पी एक्स मान लीजिए, ये पी जेड मान लीजिए। तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये किस तरीके के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे ये इस तरीके के बनाएंगे जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और कुछ इस तरीके का शेप इनका आ जाएगा ओके। तो ये जो ऑर्बिटल है इसका नाम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओके। ये चार हाइब्रिड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, देखिए इस तरीके से ऑर्बिटल बनेंगे, तो ये बेटल ओवरलैपिंग करेंगे, एक एस और तीन पी। इसी तरीके से हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, सेंट्रल एटम का होगा ओके। तो एस हमेशा पार्टिसिपेट करेगा, सबसे अंदर का ऑर्बिटल है, तो इसके बिना हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो जितने भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वही हाइब्रिडाइजेशन होगा। जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो हमें दो इन्फॉर्मेशन देता है मेन, एक इन्फॉर्मेशन देता है बॉन्ड एंगल की, अगर हम कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल को देखेंगे तो उसके बॉन्ड एंगल की जानकारी देगा, दूसरा हमें दे देगा ज्योमेट्री की। तो ये दो मेन पॉइंट हैं जिसकी जानकारी हमें मिलती है अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता होगा तो। लेट्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको यहाँ पर एकदम सिंपल मॉलिक्यूल डिस्कस करने वाली हूँ बच्चों, एकदम सिंपल, ये कुछ छह मॉलिक्यूल्स मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कस करूंगी, वो बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी ज्योमेट्री, उनकी बॉन्ड एंगल के, उनकी जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें से हम सबसे पहला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो BeCl2 को ले रहे हैं। अब देखिए आप BeCl2 को देखिए, बेरिलियम कौन से ग्रुप का मेंबर है, सेकंड ग्रुप का, सेकंड ग्रुप, इसकी वैलेंसी कितनी है, दो। बहुत आसान है एक तो इनको याद करना, दो इसकी वैलेंसी है, मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए, दो। अब देखिए हम सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, क्या होगा, 2s2। अब 2s2 होगा तो इसके पास 2p ऑर्बिटल भी होगा ओके, 2p ऑर्बिटल भी इसके पास होगा। अब इस 2p ऑर्बिटल में आप देखेंगे कि होगा क्या एक्चुअली, अब अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, तो फिर बॉन्ड कैसे बनेगा। एक पोस्टुलेट आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पढ़ा था कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो मैंने आपसे कहा था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उस एनर्जी का क्या होता है, वो एनर्जी किसमें काम आती है, इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के काम आती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ये क्या करेगा बच्चों, ये अनपेयर हो जाएगा, अनपेयर हो जाएगा। अब जब ये अनपेयर हो जाएगा तो आप आसानी से देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब बॉन्डिंग आसानी से हो जाएगी। अगर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन ये क्या होता है, ये अनपेयर हो जाता है। ये कंसेप्ट हमें किसने दिया, हाइब्रिडाइजेशन ने। जब ये अनपेयर हो जाएगा तो हमें क्या देखना होगा बच्चों कि ये जो बेरिलियम है ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो है, तो इसकी दो वैलेंसी होती है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आपको क्या देखना है, सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, क्लोरीन को अगर हम, एक क्लोरीन को अगर हम देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p5 ओके, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3p5 3s2 3p5 ओके। और दूसरी क्लोरीन भी बना लेते हैं, चलिए दो क्लोरीन बना लेते हैं इसके चारों ओर, तो दूसरी क्लोरीन का भी क्या होगा, P5। अब आप देखिए ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन है और ये भी क्या है, क्लोरीन है ओके। तो ये जब क्लोरीन है तो इन क्लोरीन्स का के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। बहुत आसान है, देखिए दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बोरोन के पास, बेरिलियम के पास है, और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम के पास है, तो बॉन्ड आसानी से बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो दो ऑर्बिटल हैं बच्चों ये कौन से, एक एस और एक पी, ये दोनों क्या होंगे, मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद क्या करेंगे, दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे जब, उसके बाद क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस, ये वाला ऑर्बिटल जो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा वो इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और ये वाला इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, दो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। तो जब ये दो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो दो सिग्मा बॉन्ड से ही याद रखिए कि
दो सिग्मा बॉन्ड, ओके, इसका मतलब दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जब दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो एक तो एस होगा ही होगा, दूसरा कौन सा होगा, पी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एस पी। तो जब दो सिग्मा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दो और एक ऑर्बिटल कौन सा होगा, एस, दूसरा क्या होगा, पी। तो सेंट्रल एटम के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एस पी। देखिए यहां से भी आ रहा है, एक एस और एक पी पार्टिसिपेट कर रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, एस पी हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन हमें किसके बारे में बताता है बच्चों, ज्योमेट्री के बारे में। तो अगर मैं बी को देखूं तो ये क्या है, सी एल और सी एल, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर। तो इस तरीके से ओरिएंट होते हैं जो ऑर्बिटल है, ये नजदीक नजदीक नहीं होते, ये इस तरीके से कि मैक्सिमम दूरी पर ये रहें, क्योंकि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बन रहा है और इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दूरी में रहना चाहते हैं। तो ये लीनियर ज्योमेट्री की वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का। जो मैंने आपसे कहा कि हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्योमेट्री बताता है, हमें बॉन्ड एंगल बताता है, तो BeCl2 अगर कोई भी लीनियर ज्योमेट्री होगी कहीं पर भी, sp हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड मॉलिक्यूल BCl3, इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। दूसरा जो मॉलिक्यूल का एग्जांपल मैं ले रही हूं BCl3, और BCl3 में अगर हम देखेंगे सेंट्रल एटम कौन है, B को हम मानते हुए चल रहे हैं, ओके? तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है, तो बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है, देखिए 2s2p कितना है, पी वन। ओके, अब आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्बिटल है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, क्योंकि इसमें क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्या होगी, अनपेयरिंग होगी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, अनपेयर होगा, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, पी ऑर्बिटल में। तो अब ये जो बोरोन एटम है, अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तीसरे ग्रुप का मेंबर है, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही इसको बॉन्डिंग के लिए चाहिए। तो अगर हमारे पास चारों ओर जो एटम है अगर उनमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो आसानी से ये 3 बॉन्ड बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड जब ये बना लेगा तो 3 सिग्मा बॉन्ड बहुत ही आसान है, एक एस और एक पी, दूसरा पी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एस पी टू, बहुत आसान है। देखिए अब आप देखिए यहां पर मैं क्लोरीन एटम बनाऊं, तो ये क्लोरीन एटम का कन्फिग्रेशन आपने अभी देखा था क्या है, 3s2 3p5, 3s एंड 3p, ये क्लोरीन है, ये दूसरी क्लोरीन है, ओके, 3s 3p, ये 3s ये 3p, तो ये एक क्लोरीन है, ये दूसरी क्लोरीन है, तीसरी क्लोरीन भी बना लेते हैं, ये देखिए तीसरी क्लोरीन 3s 3p, तो 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, 3s 3p। अब आप देखिए इन क्लोरीन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो सराउंडिंग एटम के पास भी 3 अनपेयर्ड है और सेंट्रल के पास भी 3 अनपेयर्ड है, तो आसानी से बॉन्डिंग हो सकती है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो अप्लाई हो रही है बच्चों, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे केवल वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आसानी से बॉन्डिंग हो रही है। तो क्या होगा, इसका मतलब है 3 ऑर्बिटल्स, देखिए कौन कौन से, ये 3 ऑर्बिटल, ये क्या है, एस, और ये क्या थे, पी। तो ये 3 पी ऑर्बिटल मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कितने sp2 बनेंगे, 3 sp2, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, और वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देन दे कैन ओवरलैप विद दिस, ये इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, ये इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, इस तरीके से कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, और 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, 3 सिग्मा मतलब 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और 3 ऑर्बिटल का मतलब एक तो एस होगा ही होगा, बाकी कौन दो होंगे, पी, क्योंकि एस के बाद कौन आता है, पी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, सेंट्रल मेटल के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ज्योमेट्री इसकी किस तरीके की हो जाती है, इस तरीके की हो जाती है कि इसके जो क्लोरीन है वो इस तरीके से सेट होते हैं कि इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 120 डिग्री। ओके, और ज्योमेट्री क्या कहलाएगी इसकी, ट्राइगनल प्लेनर, ये ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री इसकी कहलाएगी, जिसका मैं आपको 3D व्यू अभी दिखा रही हूं। ओके, ये देखिए आप,
सॉरी, ये जो ज्योमेट्री है ये है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। एक ही प्लेन में तीनों एटम होंगे और ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये 120 का होगा। ओके, तीनों एक, ये बल्कि चारों एटम क्या है, एक प्लेन में, एक ही प्लेन में। ओके, तो ये ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम एग्जांपल देखें बच्चों CH4 का। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2s2 2p2। ओके, क्या कन्फिग्रेशन है, 2s2 2p2। ओके, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसके लिए क्या जरूरत है, अनपेयरिंग होनी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। और अनपेयरिंग जब इलेक्ट्रॉन्स की होगी तो ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड। यानी चारों इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर्ड हो जाएंगे तो फिर अब इसके पास, सेंट्रल एटम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चार। सराउंडिंग एटम के पास भी कितने होने चाहिए, चार। तो आसानी से बॉन्डिंग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सराउंडिंग एटम कौन से है, हाइड्रोजन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है। ये किसके हैं, हाइड्रोजन। ये चार हाइड्रोजन एटम है। ओके, तो अब ये सराउंडिंग एटम के पास भी चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और सेंट्रल के पास भी चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब बॉन्डिंग आसानी से हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2s, और ये कौन सा है, 2p ऑर्बिटल। ओके, अब क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये चार ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद दे विल फॉर्म फोर, कितने मिक्स हो रहे हैं, चार। तो कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, चार sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ओके, चार बनाएंगे। चार जो ऑर्बिटल होंगे वो हाइब्रिडाइज होने के बाद, वो मिक्स होने के बाद, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। कितने सिग्मा होगा, 1 2 3 4। कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, 4 ऑर्बिटल। ओके, 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया, एक s पार्टिसिपेट करेगा और तीन कौन होंगे, p ऑर्बिटल होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, टेट्राहीड्रल। जैसे हम कहेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या दिमाग में आ जाएगी हमारे, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती, चतुष्फलक जिसे कहते हैं। टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री का मतलब बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हाइब्रिडाइजेशन से। अगर हम इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके की होती है, ये CH या CCl4, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, H और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। ओके, तो इसको मैं आपको शो करती हूँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को। अगर हम इसका 3D व्यू देखें तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है 3D व्यू। ये सी है, ये एक एच है या सीएल भी हो सकता है, ये दूसरा एच है, ये तीसरा एच, चौथा एच है। इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना हो जाता है बच्चों, ये वाला बॉन्ड एंगल। सारे बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 109 डिग्री के। तो इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है जहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसके ऊपर होगा, सेंट्रल एटम के ऊपर। ऐसे यहां पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, सेंट्रल एटम के ऊपर, sp2। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पर ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है PCl5। ओके, PCl5 में जो पी है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3s2 3p3। ओके, 3p3 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3s3p। ओके, अब ये हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं, तो ट्राइवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है। PCl5 का क्या है, इट कैन फॉर्म ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स। PCl3 भी बना सकता है और PCl5 भी बना सकता है। तो अभी हम केवल उसकी बात कर रहे हैं जहां पर अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो यहां पर ये अनपेयर होंगे और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे बच्चों, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्योंकि 3 है तो 3 के पास क्या होगा, एक 3d ऑर्बिटल भी हो, ऑर्बिटल्स भी होंगे 5, जो कि क्या होंगे, empty। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये क्या है, 3s, ये है 3p और ये है 3d। ये कौन है, फॉस्फोरस एटम। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और 5 ही इसके पास क्या है, क्लोरीन एटम है, जिनके पास क्या होगा, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रही हूँ। अब क्या होगा बच्चों कि 5 ऑर्बिटल, देखिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल के पास और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास, क्लोरीन के पास। एक क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 के पास कितने, 5। तो ये जब मिक्स होंगे तो देखिए एक s पार्टिसिपेट कर रहा है, 3p पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक d। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 एंड d। तो कितने बनेंगे, ऐसे
पांच ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि पांच ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया है, मिक्स किया है, तो पांच sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, ये एक क्लोरीन के साथ, ये दूसरे क्लोरीन के पी ऑर्बिटल के साथ, तीसरे क्लोरीन के पी ऑर्बिटल के साथ, चौथे पी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन के साथ और पांचवे क्लोरीन के पी ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप करके इट विल फॉर्म 5 sigma bonds। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? 5 sigma bonds। तो क्योंकि मैं आज आपको बिल्कुल एकदम सिंपल मॉलिक्यूल बता रही हूँ, जहां पे केवल सिग्मा बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, तो पांच सिग्मा का मतलब है, केवल सिग्मा बॉन्ड हमें काउंट करने होंगे, 5 sigma का मतलब है कि 5 orbitals will participate in bonding, और 5 orbitals का मतलब sp3d। तो अंदर के ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, तो ऐसे आप जोड़ते जाएंगे, एक s करेगा, 3p और 1d। तो जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगनल बाई पिरामिडल। कैसी ज्योमेट्री होगी? ट्राइगनल बाई पिरामिडल। ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री अगर होगी तो दो तरीके के बॉन्ड एंगल इसमें होंगे, एक होगा 120 डिग्री का एंगल और दूसरा होगा 90 डिग्री का एंगल, और ये ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की होती है। देखिए हम इसको ट्राइगनल प्लेनर है, ओके, तो ये पी है, ये तीनों क्या है? सीएल और सीएल, और एक यहां पर दो सीएल, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन, ओके, और ये जो पोजीशन है इसको कहते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, ओके। तो इस तरीके से इसमें दो पोजीशन होती है। तो देखिए ट्राइगनल प्लेनर, ये आप देख सकते हैं, ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है? 120 डिग्री का, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये वाला, ये कितना है? 90 डिग्री का, जिसे मैं आपको 3D मॉडल से दिखाने वाली हूं, ओके। अब आप यहां पर देख सकते हैं, ये ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आप देख सकते हैं बच्चों, 1, 2 और 3, तीन बॉन्ड एक प्लेन में है, तो ये ट्राइगनल है, और ये जो है देखिए, एक ये इस ट्राइगनल प्लेन के ऊपर और एक ट्राइगनल प्लेन के नीचे, ये जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं एक्सियल, ये वाली पोजीशन कौन सी है? एक्सियल पोजीशन, ओके, और ये जो पोजीशन है ये क्या है? इक्विटोरियल, ओके। अब ये जो बॉन्ड एंगल है जो इनके बीच में बन रहा है, इक्विटोरियल के बीच में, वो क्या है? 120। आप जानते हैं कि ये एक जो ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल में अगर तीन एटम होंगे तो 120 का एंगल आएगा, और ये जो जो एक्सियल है और जो इक्विटोरियल है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 90, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये नीचे है और ये प्लेन में है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने 90 डिग्री का एंगल है? 1, 2 एंड 3। यहां पर कितने 90 डिग्री के एंगल थे? 1, 2 एंड 3, 6 90 डिग्री के एंगल यहां पर होंगे। ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी जहां पर हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम पर क्या होगा, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d, ओके। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल वेयर द सेंट्रल एटम इज सल्फर। सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 3s2 3p4। क्या कन्फिग्रेशन है? 3s2 3p4। सो ये 3s है, ये 3p है, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ओके। तो बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये, अगर हम SF6 की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके सराउंडिंग एटम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके सेंट्रल एटम में भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6, तब जाके क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। तो ये अनपेयरिंग होगी, और अनपेयरिंग होकर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों? 6। ये देखिए, ये 3d ऑर्बिटल है, ये 3p ऑर्बिटल है, और ये 3s ऑर्बिटल है, तो दो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? यहां चले गए, ओके। अब आप देखिए यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सेंट्रल एटम के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो सराउंडिंग के पास भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये 6 के 6 क्या बना लेंगे? सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे आसानी से। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, देखिए 1s 3p एंड 2d, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2। कितने d है? 2। कितने बनेंगे? 6, क्योंकि कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp3d2। देन दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल, इट कैन ओवरलैप विद द p इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल ऑफ f, एक f, देन दूसरा f,
तीसरा एफ आप कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं एफ का, ये चौथा एफ, ये पांचवा एफ और ये छठा एफ। इस तरीके से आप देखेंगे सिक्स सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम में और सराउंडिंग एटम में छह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सिक्स सिग्मा बॉन्ड का मतलब है सिक्स ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। सिक्स ऑर्बिटल का मतलब है एक एस होगा, उसके बाद तीन पी आते हैं, उसके बाद डी आते हैं, तो बचे हुए कौन से ऑर्बिटल होंगे, डी। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3d2। शेप कैसा होता है, ऐसे और जो मॉलिक्यूल है उनका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलक जिसे हम कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। और अगर ऑक्टाहेड्रल शेप होगा तो दो एंगल होते हैं, एक्चुअली इसमें 90 डिग्री के एंगल होते हैं, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जो है इस तरीके का ऑर्बिटल होगा, और यहां पर ये चारों एक प्लेन में एटम है ऐसे, ओके, ये एफ है, ये दूसरा एफ है, तो ये एक प्लेन में एटम है सारे के सारे, और एक एटम प्लेन के ऊपर और एक एटम प्लेन के नीचे, तो ये ऊपर और एक नीचे। तो ये जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री कहलाती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये आपको मैं 3D मॉडल दिखा रही हूँ, जहां पर आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को आसानी से देख सकते हैं। ये सेंट्रल एटम है, ये जो चार ब्लैक कलर से दिखाए गए हैं ये एक प्लेन में है, ये क्या है, प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर पोजीशन है, और एक जो एटम है वो अपर साइड में और एक लोअर साइड में है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है ये भी 90 है, ओके, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये भी क्या है, 90 डिग्री, जो प्लेन में है वो भी 90 डिग्री, और जो एक्सियल और जो प्लेनर पोजीशन पर है वो भी 90 डिग्री का एंगल होगा। नाउ वी विल डिस्कस द ज्योमेट्री ऑफ IF7। आई के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो सकते हैं, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5s2p5, कितने हैं, 5s2 5p है, ओके। तो अब जब ये अनपेयर होंगे, क्योंकि सराउंडिंग एटम के पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 7, तो इसको भी कितने चाहिए, 7, तो ये सात इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सातों के सातों अनपेयर हो जाएंगे, और जब ये सातों के सातों अनपेयर हो जाएंगे कहाँ चले जाएंगे, डी ऑर्बिटल में, ओके। तो जब ये डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे तो ये तीन इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, डी ऑर्बिटल में, ये 5s है, ये 5p है और ये 5d है। तो क्योंकि आप देखेंगे सेंट्रल एटम के पास भी सात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और सराउंडिंग में भी सात हैं, तो ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सराउंडिंग में सात हैं तो इसके पास भी, सेंट्रल के पास भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 7, ओके। तो ये 7 के 7 सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये 7 के 7 क्या करेंगे, ये मिक्स होंगे और ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, sp3d3। देखिए एक s, 3p और 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 7 sp3d3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, और ये ऑर्बिटल फिर f के साथ, क्योंकि f के हर एक f के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये f के साथ क्या बना सकते हैं, दे कैन फॉर्म 7 सिग्मा बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 7 सिग्मा बॉन्ड्स ये बना सकते हैं, और ये जो 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं इनकी वजह से कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 7 ऑर्बिटल, वही तो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, ओके। 7 ऑर्बिटल का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3। ज्योमेट्री कैसी होगी, पेंटागनल बाई पिरामिडल, कैसी ज्योमेट्री होगी, पेंटागनल बाई पिरामिडल, ओके। और बॉन्ड एंगल कितने होंगे, एक तो 72 डिग्री होगा और एक होगा 90 डिग्री, तो कुछ इस तरीके का शेप होगा, ये आप एक पेंटागन बना दीजिए, ठीक है। ये पेंटागन, ये प्लेन है और एक एटम यहाँ ऊपर है और एक एटम क्या है, नीचे, तो ये क्या हो गया, IF7 ज्योमेट्री हो गई, ओके, ये इस तरीके की ज्योमेट्री हो गई, और ये एक नीचे और एक ऊपर, तो ये जो बॉन्ड एंगल आप जानते हैं, यहाँ पर जो उसका 360 में से अगर हम 5 को डिवाइड, 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 72 डिग्री। तो इस तरीके से आप देखेंगे दो बॉन्ड एंगल होते हैं, आई विल शो यू दी 3D ज्योमेट्री ऑफ दिस पेंटागनल बाइपिरामिडल। ये आप देखिए ये 1 2 3 4 5, ये एक प्लेन में है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा बच्चों, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये कितना होगा, 72। आप 360 को 5 से डिवाइड कर दीजिए
और ये जो दो आप देख रहे हैं, एक ही अप प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है, तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा एक्सियल और ये हमेशा क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये ज्योमेट्री क्या है, पेंटागनल बाई पिरामिडल। ओके, तो नाउ आई विल शो यू द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात मैंने कही थी जहां पर केवल सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो यहां पर मैंने जो एग्जांपल लिए थे वो लिए थे BeCl2, BCl3, CH4 और CCl4, आप कुछ भी ले सकते हैं, BCl5, SF6 एंड IF7। तो मैंने सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात करी थी, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। यहां पर मैंने आपसे कहा था अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि ये बीई के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि जो सराउंडिंग एटम है उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो। तो बेरिलियम के पास मैक्सिमम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो। तो दो इसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, दो इसके, तो दो यानी दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेरिलियम के, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। अब अगर हम इसको देखें बोरोन क्लोराइड को, ट्राइक्लोराइड को, तो बोरोन की वैलेंसी तीन होती है और इसके साथ तीन ऐसे एटम जुड़े हैं जिनके पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी तीन है, तो मतलब तीन बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड बनाएगा तो तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक ऐसा होगा, दूसरा कौन सा होगा, दो क्या होंगे, पी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अगर मैं कार्बन को देखूं तो ये टेट्रावेलेंट है और इसके साथ चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब चार ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर मैं pcl5 की बात करूं तो पी की वैलेंसी कितनी होती है, पांच, पांच मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पी के पास, और सीएल के पास भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पांच, तो पांच और पांच ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, जब पांच ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो कौन कौन से करेंगे, एक एस होगा, तीन पी होंगे, डी होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। अगर मैं sf6 की बात करूं तो s सिक्स ग्रुप में है, सिक्स इसकी वैलेंसी होती है, सिक्स ही इसके साथ ऐसे सराउंडिंग एटम है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिक्स ऑर्बिटल इसके पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। ओके, IF7 को अगर मैं देखूं, I के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, सात, इसकी वैलेंसी सात है, साथ ही इसके पास ऐसे एटम्स जुड़े हुए हैं जिनके पास सात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, सात बॉन्डिंग में, सात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3। आप देखिए एक एस, तीन पी, तीन डी, तो ये सात ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं sp हाइब्रिडाइजेशन कहूं तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि जो ज्योमेट्री हो कैसी होगी, लीनियर, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अगर मैं बात करूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तो मैं कहूंगी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगनल प्लेनर। ओके, तो ट्राइगनल प्लेनर है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अगर मैं बात करूं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तो सीधे मेरे दिमाग में आना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109। अगर मैं sp3d की बात करूं तो कैसा होगा, ज्योमेट्री होगी ट्राइगनल बाई पिरामिडल। ओके, और इसमें एंगल कितने होंगे, एंगल होंगे एक तो होगा 120 का और दूसरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। अगर मैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, और यहां पर बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के। अगर मैं बात करूं sp3d3 की तो यहां पर कैसा शेप होगा, पेंटागनल बाई पिरामिडल। ओके, तो ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा और इसमें कितने बॉन्ड एंगल होंगे, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से ये जो मैंने एग्जांपल बताए हैं इनको याद कर सकते हैं, जितनी जिस ग्रुप का मेंबर है उतनी उसकी वैलेंसी होती है, उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर सराउंडिंग एटम में भी हों तो हाइब्रिडाइजेशन, उतने ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, दो है तो दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तीन वैलेंसी है, तीन एटम जुड़े हुए हैं ऐसे जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, कार्बन के केस में चार ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, फॉस्फोरस के केस में पांच करेंगे अगर पांच ही इसके साथ सराउंडिंग एटम जुड़े। तो इस तरीके से हम आसानी से ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री भी बता सकते हैं और उनके बॉन्ड एंगल्स भी बता सकते हैं। ओके, so in the next lecture we will discuss about the hybridization in the molecules containing multiple bonding। तो अभी हमने multiple bonding की बात नहीं करी थी, अभी हमने simple molecules लिए थे जिनमें केवल sigma bond होता है।
ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी और आप आसानी से ही हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सिग्मा बॉन्ड ओनली. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.